आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन ये इतना टाइम क्यों लेता है। यूनियन मतलब रीयूनियन या हार्मोनियस यूनियन या जो भी यूनियन, मतलब एक पर्टिकुलर जो यूनियन है वो टाइम क्यों लेता है। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो यूनियन यूनियन या रीयूनियन या हार्मोनियस यूनियन, ये जो चीज़ें हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना समय क्यों लेती है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बबल फेस से, जो सबको पता है कि बबल फेस आता है जब हमारी पहली बार जब हम आमने सामने आ जाते हैं, काउंटर पार्ट एक दूसरे के सामने आते हैं और फिर एक उनमें अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं कह सकते, इंट्रैक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद एक बबल फेस स्टार्ट होता है। बबल फेस भी एकदम से अनएक्सप्लेनेबल ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ वो दोनों ही बता सकते हैं उनके मतलब बीच में क्या हुआ है। और उस एक बबल फेस के बाद एक सेपरेशन मोड आता है और सेपरेशन मोड में ज़्यादा ट्रिगर कौन होते हैं, जो अवेकन होने वाले होते हैं या चेजर्स या जिसे कहा जाता है डिवाइन फेमिनियन। अब भी ये डिवाइन फेमिनियन जो है ये नॉर्मली फीमेल मतलब फिजिक फॉर्म में नहीं, मगर बाय नेचर जो चेजर्स होते हैं वो डिवाइन फेमिनियन एनर्जी में होते हैं और उनकी अवेकनिंग होनी होती है, वो हो जाते हैं ट्रिगर। अब जब ये ट्रिगर होते हैं तो स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं रहता कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता, मगर एक नॉर्मल एक जैसे होता है ना सेपरेशन आया काइंड ऑफ, वो स्टार्टिंग में ले ही लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओके फाइन, क्योंकि फाइट के समय जब जो डिवाइन मस्कुलिन है या जो मेल पर्सन है, हम पहले फिलहाल फीमेल और मेल ही कहेंगे या गर्ल और बॉय, तो पहले स्टार्टिंग में जो बॉय होते हैं या मेल पर्सन है वो पहले कुछ बोल देते हैं और फिर फीमेल भी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है या गर्ल, और फिर वो तुरंत बोलती है कि हाँ ठीक है चलो नो प्रॉब्लम, आप जो चाहो वैसे नो प्रॉब्लम, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो फ़ोन काट देते हैं और कुछ हो जाता है। ओके अब आ जाता है सेपरेशन मोड। तो 3-4 दिन तक तो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, मगर 3-4 दिन के बाद जो रनर जो चेजर्स होते हैं वो थोड़े से ट्रिगर हो जाते हैं और फिर बिल्कुल उन्हें ना बहुत बर्दाश्त के बाहर चीज़ें होने लगती है और उन्हें फिर एकदम हैरानी हो जाती है कि ऐसे क्या हुआ कि उन्हें ऐसे क्यों ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पहले तो वो चेजेस जो है रनर्स को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मगर जो एज मतलब जैसे होता है कि नॉर्मली जो चेज करते हैं उसके वजह से रनर्स को एनर्जी मिलती है और फिर वो ज़्यादा यू नो जो उतने ही ज़बरदस्त तरीके से रन कर जाते हैं, फिर वो टाइम पे जो है चेजर्स को थोड़ा सा धक्का बैठ जाता है या थोड़ी सी शॉक सा लगने लगता है, फिर वो थोड़ी सी यहाँ वहाँ ढूंढने लगती कि क्या रीज़न है इसके पीछे, वो क्या करे क्या ना करे, क्यों ये हो रहा है, और फिर तब उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है। पहले तो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, उन्हें लगता है कि ओ वो ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों है, पहले तो सोलमेट होने चाहिए थे, क्योंकि नॉर्मली सोलमेट ही वर्ड सबको पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इतना लोगों को नहीं पता, जर्नी मतलब ट्विन फ्लेम शब्द ही नहीं मालूम, तो उन्हें लगता है कि सोलमेट्स बहुत ग्रेटर देन ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं लेकिन उनकी जगह पे। लेकिन फिर उन्हें पता जब वो सोचते हैं सोलमेट के बारे में और थोड़ा सा ट्विन फ्लेम के बारे में, तब उन्हें डिफरेंस समझ आता है, उनकी जो पेन फिलहाल वो फील कर रहे होते हैं जो सेपरेशन का, वो मैच हो जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ, क्योंकि सारे सिम्टम्स जो है ट्विन फ्लेम जर्नी जो वीडियोस बना रहे हैं वो वही जर्नी उन्होंने क्रॉस करी हुई होती है। ओके वहाँ उस जर्नी में बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो सारी जो नेचर उनके साथ जो हुआ जैसे हुआ कुछ भी वो सब एक्सपीरियंस उन्होंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी ही होती है, तो जो जिन्हें अपनी नई नई जो जर्नी के बारे में पता चल जाता है वो ढूंढने लगते हैं सब वीडियोस जितने हो सके उतने वीडियोस, मतलब बहुत हद से ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, हर जो मिले वो वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो सारी वीडियो देखते 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 उन्हें ये समझ में आता है कि अच्छा ये जो है ना सेपरेशन मोड है, और ये सेपरेशन मोड जो है ना कंपलसरी होता है, और सेपरेशन मोड में ये पेन होता है वो पेन होता है, इनर वर्क जो करना होता है ना सेपरेशन मोड में जो है जो रन कर रहे हैं ना उनके वजह से आ रहा है जो उनको जो है या यूनियन लाना है इसके वजह से, या इनर वर्क जो होता है अंदर ही अंदर अपने आप को एक सेल्फ लव में लाना होता है इसके वजह से, और सारी जो चीज़ें होती है ना रिलेटेड टू रनर चेजर्स और सेपरेशन मोड, बस इसी के ऊपर सारी वीडियोस होती है। तो क्या हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में हम जो वीडियोस देख रहे हैं या जो वीडियोस जिस रिलेटेड है वो सारे सेपरेशन रिलेटेड ही देख रहे हैं हम,
क्या आपने ये समझा कि जब हम कहते हैं कि आपने सोच भी सोच कर करनी चाहिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल चली जाती है, तो क्या आपने ये सोचा है कि जो वीडियोस हम देख रहे हैं सेपरेशन रिलेटेड, उसका भी असर सबकॉन्शियस माइंड पे हो रहा होगा? उन्हें भी वो सिग्नल्स जा रहे कि अच्छा जो ये देख रहा है ऊपर जो बैठे हुए, जो मुझे अभी सेंस हो रहा है, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड मतलब बोल रहा है कि जो भी देख रहे हैं ये वीडियोस, अच्छा तो ये जो है सेपरेशन मोड इनमें चल रहा है, तो बस सेपरेशन मोड ये लगातार बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। अब जो सारी वीडियोस है वो सारी यही सिखाती है कि ओके डिटैचमेंट मोड में आना है, उसके बाद ही सेपरेशन जो है, और सेपरेशन मोड ख़त्म होगा ऐसे नहीं कहते, लेकिन डिटैचमेंट मोड में आओगे तो मस्कुलिन की अवेकनिंग होगी, उसके बाद उनकी जो सो शॉक होगा, मतलब जो भी रिलेटेड, जो भी यूनियन के रिलेटेड जो होना चाहिए वो तो है ही, मगर वो बहुत आगे जाके मतलब स्टार्ट होता है। लेकिन बीच का मतलब मेरे ख्याल से 15 मिनट की अगर वीडियो होगी तो 10 मिनट सेपरेशन के ऊपर ही होगा, 5 मिनट आखिरी वाले जो होंगे वो जो होंगे अपने यूनियन के लिए कुछ होंगे, यूनियन के लिए कुछ डाले होंगे। तो जो 10 मिनट है वो बहुत इनफ है सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलने में, जो 5 मिनट इसका कोई मतलब यूज़ ही नहीं। अब यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल मेरी सोच है, ओके, ये मुझे पता नहीं, मतलब ज़रूरी है नहीं कि रेजोनेट करेगी सबसे, ओके, मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि सबके अलग अलग अपनी सोच होती है, जो आप देखोगे वही आप समझोगे, राइट। तो हम मतलब आप देखो कि आप, हम लोग यही देखते हैं इसमें कि सेपरेशन मोड कैसे हटाया जाए, सेपरेशन मोड का जो पेन हो रहा है वो पेन दूर करने के लिए क्या करा जाए, जो मैं इतनी चेज़ कर रही हूँ, मतलब डिवाइन फेमिनियन जो मैं इतनी तेज चेज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो भूलने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, अब रनर जो है ये जो कर रहे हैं उनको रुकाने के लिए क्या करना चाहिए, बस हम इसी के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, बस सब जो चीज़ें हैं ना सेपरेशन के ऊपर ही ध्यान चलता जाता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेपरेशन मोड जो है उसकी जो जर्नी, सेपरेशन मोड तो सबको आता है, मगर ये जो क्या बोलते हैं ना सफ़र है वो कटने की बजाय और थोड़ा सा लॉन्ग कट जा रहा है, क्योंकि एक तो क्या हो रहा है उसके अंदर फिर पोर्टल्स आते हैं, फिर अच्छा तो ये पोर्टल्स में क्या होगा, वो पोर्टल में क्या होगा, ओके फुल मून आया तो उसके अंदर क्या होगा, या न्यू मून आया उसके अंदर फिर क्या होगा, और ओके फाइन फिर ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा फिर थोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है, फिर हम दिमाग से कुछ कर देते हैं तो फिर वहाँ पे भी ट्रिगर हो जाते हैं रनर, ओके, तो फिर वो और थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है जर्नी वहाँ पे, फिर हम थोड़ा सा संभल जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं जो करना है डिवाइन को करने दीजिए, हम सरेंडर टू डिवाइन, ऐसे करके थोड़ा सा एक हफ्ता तक अपने आप सरेंडर खींच लेते हैं, फिर बाद में जो है ना अपनी लगाम हाथ में ले लेते हैं, बस मतलब यही जो मतलब सबकॉन्शियस माइंड को हम सिग्नल यही दे रहे हैं कि मैं सेपरेशन में हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ ये सेपरेशन मोड को जो है सेपरेशन मोड से बाहर निकलने की, सेपरेशन मोड को भूलने की, या अपने आप को जो है अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करने की, इनर वर्क मुझे करना है क्योंकि मुझे ये सेपरेशन मोड ख़त्म करना है, नहीं, हमें इनर वर्क करना है क्योंकि अंदर जो मेरी डिसबैलेंस हुई हूँ उसे बैलेंस करने के लिए, यूनियन तो होना ही है, यूनियन कहीं नहीं गया, मतलब हम देख ही रहे जो रास्ता कि मतलब क्या हो रहा है कि सामने जो हमें जो टारगेट दिख रहा है वहाँ पे ध्यान है ही नहीं, बीच में जो हर्डल्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है ऐसे मुझे लगता है, इसके वजह से जो है सेपरेशन मोड थोड़ा सा बढ़ रहा है, और इसके वजह से जो है यूनियन ये जर्नी में थोड़ा टाइम लेता है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये सारी जर्नी के ऊपर ही, ये जर्नी ही पूरी जो है एनर्जी के ऊपर होती है, हमारे आधे सोल के साथ ही हम डील कर रहे होते हैं, तो अब हमने अपना नेचर अब से हमसे ज़्यादा कोई और समझ ही नहीं सकता, ओके, लेकिन क्या हो रहा है कि हर चीज़ें हम अपना अप्लाई करने के चक्कर में ना बहुत सी चीज़ों में जो जहाँ पे नहीं कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, जैसे सेपरेशन मोड या डिवाइन मस्कुलिन का बिहेवियर या डिवाइन मस्कुलिन क्या करे इसके ऊपर सब, लेकिन जो ट्रिक्स है, एक्चुअली मैं लिटरली ट्रिक्स ही बोलूँगी, ये डिवाइनली गाइडेड है जो जर्नी, डिवाइनली गाइडेड लिखी हुई है, लेकिन डिवाइनली गाइडेड लिखते भी इसके अंदर जो काम करना है, इसके अंदर जो बैलेंस्ड होना है, ये तो हमारे हाथों में है, ओके, डिवाइनली गाइडेड एग्ज़ाम्स है, मगर जो एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी करनी होती है ये अपने हाथों में होती है कि फाइनल एग्ज़ाम जो है मैं किस तरीके से पास होंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कब मतलब कैसे हो जाएगा, जब आप क्रॉस हो जाओगे पॉजिटिव एटीट्यूड से,
मतलब ठीक है, अभी पॉजिटिव आप हो, मतलब आप जो भी देख रहे हो या सुन रहे हो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आने के लिए कर रहे हो, ठीक है, या जो आप अभी फिलहाल पेन में हो उसे थोड़ा सा दूर करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपने अब जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसके मतलब अपने अंदर लिटरली ढाल लेना है, मतलब अंदर से वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको क्रिएट करनी होगी आपके लाइफ का, मतलब जैसे पॉइंट जो होगा ना, मैं बैलेंस कैसे हो इसके ऊपर आना चाहिए, कि नेगेटिव थॉट कि मैं इसके बाद क्या करूँगी, मैं किस तरीके से ये करूँगी, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है मगर मैं इसके लिए क्या करूँ, मैं कर पाऊँगी क्या, ये नेगेटिव निकाल कर मुझे ये काम मिला है, मुझे इसके लिए ये वर्क है, बस मैंने उसके अंदर जो है अपने आप को लिटरली जो है झोंक देना है बिना सोचे समझे कुछ भी। तो हम यही सोचते हैं कि चलो पॉजिटिव एटीट्यूड आया, अब इसके बाद हम काम भी शुरू करें, मगर अब हमने जो है अंदर थोड़ा सा फिर से एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मुझे अब ये एग्ज़ाम देने में कैसे करूँगी, ये एग्ज़ाम मुझे पास करने में कैसे कर पाऊँगी। ओके, मतलब हम यही दिन रात सोचे रहते हैं कि मुझे यूनियन की ज़रूरत है, या अभी भी यूनियन में नहीं हूँ, या मेरे जो है मुझे ट्वीन जो है मेरे काउंटर पार्ट है वो मुझे प्यार नहीं करते, या पता नहीं मेरे से क्यों गलती हुई, या जो जो भी है उनके अंदर मेरे लिए मतलब प्यार है ही नहीं, इसकी वजह से भी हुआ, या वो मुझसे नाराज़ है। अब ये हमें पता है कि ये जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है लिखी हुई है तो नाराज़ भी है, तो ये लिखा था वो खुद नाराज़ है मगर अंदर वो भी डिस्टर्ब है, लेकिन आप वर्बली बोल रहे हो वो दिखा नहीं पाते। ओके, तो लेकिन आपका ध्यान उसी के अंदर है कि बस डिवाइन मस्कुलिन जो है उन्होंने तो है फेस जो है वहाँ पे कर दिया और आपको नहीं देख रहे, तो ये हुआ एक नेगेटिव थॉट, और इसके वजह से मैं अभी इनर वर्क कर रही हूँ तो वो मुझे देखेंगे नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो आपकी तरफ नहीं देख रहे, इनफैक्ट वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आप उनको जो हो मतलब 5D लेवल में, कि कब आप बैलेंस हो जाओ, कब वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि उनको भी उतनी ही ब्रीदलेस वो भी फील कर रहे होते हैं, मगर जो आपकी एनर्जी जो है नेगेटिव वो उनको जो है बिल्कुल असर कर जाती है, और उन्हें वो जो एनर्जी मिसिंग एनर्जी उनसे वो उन्हें वो मिल जाती है। अब आप इसके बाद ये भी सोचते हो कि हाँ मुझे मैं इनर वर्क इसलिए कर रही हूँ कि वो बस मुझसे बात कर ले, मुझसे बात करना स्टार्ट करे, बस ये जो है ना उनके अंदर जो भी है मुझसे कर ले, बस मिले ना मिले हम पता नहीं, लेकिन पहले वाली बातें शुरू करे, वो जो बबल फेस में जो उन्होंने दिखा था वो नहीं, जो बबल फेस में उन्होंने जो मुझसे बात करी थी या जो भी हम लोग का चल रहा था बस वो चली, बस हम लोग ये सोचने स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि ठीक है मैं इन वक्त जो कर रही हूँ मैं इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि वो अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहे, और जो भी कर रहे हैं वो मेरे लिए इनफ नहीं है। मतलब आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान सब उसी के ऊपर है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप जो भी देख रहे हो फिलहाल, जो भी आपके साथ हो रहा है या जिस रिलेटेड आप सोचते रहते हो, ये चीज़ें कब की गुजर गई। मतलब जो लड़ाई जो हुई थी सेपरेशन के लिए वो लड़ाई होके चली गई ऑलरेडी, आपने चेस करके हो गया, आपका ट्रिगर भी होना था वो होके अब आप इनर वर्क की तरफ बढ़े हो, लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हो उसके बावजूद भी जो कल का बीता था आप उसी को बार बार लगातार सोच रहे हो और इनर वर्क भी कर रहे हो। अब जो गुजर गई वो बात पे हमने ध्यान देना नहीं, जो हुआ सो हुआ, मार्क्स जो कमाने थे वो आ गए, अब मैं अच्छे मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करूँगा आप ये या प्रैक्टिस करूँगी ये एटीट्यूड रख के अगर आप मतलब काम करना स्टार्ट करोगे तो जो पुरानी खबरें थी या जो 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 चीज़ें जो ओल्ड वाली जो बीती थी आपके पास वो फिर से रिपीट नहीं होंगी। मगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपका ध्यान जो है जो बीत गया उसके ऊपर ज़्यादा है, जो आने वाला है उससे ज़्यादा। मतलब यहाँ पे तो कहा जाता है कि ना आप कल की सोचो ना आने वाली कल की सोचो, आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो, क्योंकि कल क्या आने वाला है ये आज के आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि आज आप क्या कर रहे हो। कल की गुजरी वो गुजरी, वो लिखा था वो होना था इसलिए हुआ, अब जब कल वो वाली सिचुएशन आ जाएगी फिर से, क्या आपको लगता है कि आप वैसे फिर से बिहेव करोगे जो आपने कल के या पास्ट में आपने करी थी? नहीं ना, आप बिल्कुल कुछ अलग ही होंगे। तो आपने इसकी वजह से प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रह के अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ताकि जो आने वाला कल आपका होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके गुजरे हुए कल से।
आप बार बार लगातार यही सोचते जा रहे हो कि मुझे जो है यूनियन में आने के लिए क्या करना है, मुझे ये सेपरेशन मोड जो है ये फिनिश करने के लिए क्या करना है। आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो भी ग्रुप्स बनते हैं वो भी सेपरेशन मोड में होते हैं, उनकी अलग स्टोरी होती है। बिल्कुल आपने वीडियो देखना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, उससे भी एक क्या होता है ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो तो आपने यही पॉजिटिव वे लेना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो जो है आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, ना कि यूनियन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप यूनियन में हो। बस मुझे आगे बढ़ना है और आगे जाके मुझे जो है फ्यूचर कुछ प्लान करना है इसके अंदर, ओके, जो मेरी जर्नी है उसके लिए मुझे करना है, जो हमारी जर्नी में जो लिखा है उसके अंदर मुझे और आगे बढ़ना है। बस ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपने क्रिएट करना है, मोटिवेशनल थिंग्स देखने हैं, मोटिवेशन जो फील हो, मोटिवेट हो, वो चीज़ें करती रहनी है। जितना आगे बढ़ने की इच्छा होगी, जिसमें आपको अच्छा लगेगा वो आपने फॉलो करना है। जितना आप अपने आप को जितना हाई वाइब्रेशन में ला सकते हो, जो चीज़ों से आपको हाई वाइब्रेशन फील होती है आपने वो देखना है, आपने वो फॉलो करना है। कोई भी ऐसे वर्ड्स या कोई भी इमोशनल थिंग्स या कोई भी ऐसी पुरानी बातें ना सुननी है ना सुनानी है, कुछ भी नहीं। मतलब अगर कोई ऐसे भी वर्ड्स आ रहे हैं कि सेपरेशन या डिटैचमेंट या बिल्कुल भी नहीं या एज योर विश और योर विल और ये ऐसी कोई भी चीज़ है जो नेगेटिव थॉट आपको फील करी या आप कंफर्टेबल नहीं हो, अब तुरंत वो जो है ना वो चीज़ें छोड़ के दूसरी कुछ करो, दूसरी कुछ देखना स्टार्ट करो। जितना हो सके उतना अपने आप को मोटिवेट रखो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को यही पता है कि आप क्या देख रहे हो और उसके अंदर की जो आपकी फीलिंग्स है ना वही वो कैच करता है। और ये बार बार लगातार बोलना बंद कर देना कि सेपरेशन मोड आना था इसलिए आया है, मैं सेपरेशन मोड में हूँ, अब मुझे जब यूनियन आएगी तब उसके बाद भी कुछ ना कुछ ट्रिगर होंगी, नहीं, बिल्कुल भी ये सोचना ही नहीं है। एक बार यूनियन हुआ हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, क्योंकि यूनियन तभी आती, अंदर के सारे जो हर्डल्ड, जो सारे हमारे कुछ भी जो होंगे, कोई भी कंप्लेंट्स या कुछ भी होगा, वो जब ख़त्म होगा उसके बाद ही जो है यूनियन में आप आते हो, ओके। तो बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि बाद में मैं ट्रिगर नहीं होंगी या बाद में मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि फिर से मुझे सेपरेशन फेस करना पड़े। फिर देखना ऐसे करके अगर यूनियन में या जब भी मिलते हैं उसके बाद काउंटर पार्ट जो है ना फिर से चले जाएंगे, क्योंकि वो भी आपने मैनिफेस्ट पहले ही करके रखा हुआ है कि आपके जब आएंगे काउंटर पार्ट और फिर चले जाएंगे तो मैं जो हूँ ना ऐसे ना ट्रिगर होंगी ना ट्रिगर करूँगी। ऐसे सोचोगे तो किसी और बात के लिए फिर ट्रिगर हो भी जाओगे और वहाँ से भी कर दिए जाओगे। तो ये चीज़ों में ना नहीं पढ़ना है कि क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब कोई भी चीज़ें, और ना शक करनी कोई चीज़ों के लिए कि क्या मैं ये करने से ये होगा, क्या मैं वो करने से ये होगा, या पता नहीं कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये जर्नी में हो, और सच में अगर आप रियल वाले ट्वीन हो ना तो एक बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स से, डिवाइन से, भगवान से, जिससे जिसे भी आप मानते हो, एक डिवाइन हो जो जो जिसे भी मानते हो ना, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं। राइट टाइम पे राइट लोग आपको आएंगे, गाइड करके जाएंगे राइट टाइम के, और राइट टाइम पे आपके पास दिमाग में कुछ ना कुछ वही थॉट आएगी या कुछ ना कुछ इनर वर्क के रिलेटेड कुछ भी आएगा, वो आपको गाइडेंस पूरी तरीके से देते हैं। सिर्फ आपने जो है ना सरेंडर मोड में आना होता है, मतलब सरेंडर मोड मीन्स व्हाट, आपने एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मुझे अच्छे से बनाने के लिए, मुझे मॉडिफाई करने के लिए हो रहा है, और मैं यूनिवर्स को जो हूँ अपने आप को सौंप देती हूँ, ओके। आपने परमिशन देनी है, अपने आप को अलाउ करना है, वो जो सारी चीज़ें हैं उसे जो है क्या बोलते हैं ना, अपने आप अंदर जो है उसे एक्सेप्ट करने की, ओके। इतना आपने सोचना है, इतना आपने करना है, और सारी चीज़ें जो है अपने आप होती जाएगी। और एक बात, जब भी आप ये सेपरेशन मोड में होते हो तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं देखना जिससे आप तुरंत ना ट्रिगर हो जाओगे, मतलब डिवाइन मस्कुलिन रिलेटेड। अगर देखोगे भी ना तो तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट मत किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी वाइब्रेशन जो है ना अगर हाई होगी तो एकदम से लो चली जाएगी, और फिर से वो लो गई हुई वाइब्रेशन है ना उसे हाई करने में बहुत मुश्किल होगी। तो क्या करा करो, आप जब भी ये देखोगे ना कुछ भी डिवाइन मस्कुलिन रिलेटेड या रनर रिलेटेड, आप थोड़ा रुको, मतलब मुझे तो लगता है हाँ आधे दिन तक रुको, कुछ ना कुछ तो आपको जो है उसका आंसर मिलेगा ही कि ये डिवाइन मस्कुलिन से क्यों हुआ है, और आप जो हो उसका मतलब थोड़ा सा तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ आप समझ ही जाओगे कि डिवाइन मस्कुलिन ने ये क्यों करा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। उससे क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगी।
अगर आपको लगा कि मैं अभी के अभी तुरंत में ट्रिगर हुई हूँ, नो वरी, बिल्कुल शांत होना है। पहले तो एक ग्लास ठंडा पानी पीजिए, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा रुकिए। मैं बताती हूँ आपको, विद इन आवर, एक्चुअली एक घंटे के अंदर ही, अगर आप इतने ज़्यादा इनवर्क करके बहुत ज़्यादा बैलेंस हुए होंगे ना, तो एक घंटे के अंदर आते आते आप जो हो बिल्कुल सेटल फील करोगे और वो दिन गुजरने तक आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा कि डिवाइन मस्कुलिन ने ये क्यों करा या क्या था। इमीडिएट रिएक्शन मत दिया करो, बहुत ज़्यादा जो है ये जर्नी में अफेक्ट करता है। एक्चुअली बबल फेस के दरमियान किसी को भी नहीं पता होता ये जर्नी के बारे में, इसीलिए तो ना इमीडिएट एकदम तुरंत रिएक्शन दे देती है डिवाइन फेमिनियन। उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली बाद में क्या होने वाला है, और फिर जो है ना उसका जो तुरंत रिएक्शन जो है ना, यही बस फिर चलता रहता है जब तक कि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में नहीं लाते। अगर ये पहले से पता हो तो कोई भी डिवाइन फेमिनियन ना करे ना ऐसे रिएक्ट, है ना। मगर कोई बात नहीं, अब मैं बता रही हूँ कि इसके बाद की जो भी, क्योंकि ट्रिगर होता रहेगा जब तक हम ये जर्नी में है, हर जर्नी में होता है, एक्चुअली हर रिलेशन में ट्रिगर्स होता रहता है। ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही कुछ अलग ट्रिगर होता रहता है, मगर ट्रिगर होता रहेगा। हमारा काम ही रहता है कि तुरंत रिएक्शन कभी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी नहीं रिएक्शन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे अगर रिएक्शन कर दो ना, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इतने अच्छे नहीं आते, ऐसे मुझे लगता है। तो नॉर्मली शांति रहना चाहिए जितना हो सके, जब तक कि आप रियलाइज़ ना करो कि क्या हो रहा है, जब तक कि आप ना समझो, है ना। ऐसे चलते रहोगे ना तो कुछ ही दिनों में आप समझ जाओगे कि आपके जो काउंटर पार्ट जो है वो जो है आप ही का हिस्सा हो, और वो हमेशा आपके अंदर ही थे, बस वो आपको मिरर कर रहे थे, क्योंकि आप जो सोच रहे थे वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था, और सबकॉन्शियस माइंड जो थी, जो एनर्जी है लिटरली जो है ना पुश कर रही थी, मतलब धकेल रही थी, है ना। तो इसके वजह से हमने जो है हमेशा जितना हो सके उतना पॉजिटिव वाइब्रेशन में आना है, बिल्कुल वाइब्रेशन अपनी हाई करनी है, रखनी है, जितना हो सके उतनी कोशिश करनी है। हमने ध्यान ही नहीं देना मैं सर कि मैं सेपरेशन में हूँ और मुझे सरेंडर करना वगैरह, नहीं, मैं साथ में हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी नोकझोंक है, थोड़ी सी नोकझोंक सोचनी है इस जर्नी के लिए बस। लेकिन हम कहते हैं ना, पढ़े सुना इतना रहता है, वीडियोस इतने हमने देखे होते हैं, तो हमें बस यही फील होता है कि नहीं, ये सेपरेशन मतलब बहुत दुनिया की मतलब सबसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है, अब नहीं होगा, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी यही होगा। ओके, सबकी इतनी जर्नी चल रही है, सपना है सबका, इतना अपना अपना सेपरेशन है, मेरा भी यही होगा, नहीं, सबकी जर्नी अलग है, सबके कर्माज अलग है, सबकी जो है टाइम अलग है, डिवाइन टाइमिंग अलग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपने ये देखना ही नहीं उनकी जर्नी कितनी स्ट्रेच हुई है, आपने ये देखना है कि ओके फाइन, सेपरेशन ऐसे आया था इनका, तो ठीक है इससे वो इस तरीके से मैंने भी निकलना है। तो बस आपने जो है जितना आपके लिए ज़रूरत है ना उतना लिया करो, बाकी का छोड़ो। जैसे हम शादियों में वगैरह बूफे में जाते हैं तो थोड़ी ना सारी ट्राई करते डिशेज, जो हमें चाहिए रहते वही लेते हैं ना, बस वही करना है हमने, जितने अपनी हेल्थ के हिसाब से जो अपने लिए सूट हो बस उतना ही लिया करो, और जो है ना आगे बढ़ो, कोई नहीं, जितनी आप पॉजिटिव रहोगे ना, मैं सच में बोल रही हूँ, चीज़ें जो है उतनी ही बेहतर होती जाएंगी डे बाय डे। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जो जर्नी है, ये जो कनेक्शन है, ये आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसके लिए तो ये सारी चीज़ों को अचीव करने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आप सारे नेगेटिविटी में, सेपरेशंस में, ट्रिगर्स में, ट्रिक्स में, और जो है टूल्स में, पोर्टल्स में, इतने अटके पड़े कि आपको लग रहा है कि आसानी से ये यूनियन होगा ही नहीं। तीन फ्लेम जर्नी है तो सारे तामझाम करने होंगे, उसके बाद ही होगा, नहीं, बहुत आसान है अगर आप पॉजिटिवली ले लोगे ना तो, सच में आसान है। लेकिन आप नहीं, इसमें ही नहीं, हम इसी में अटके कि नहीं ये सेपरेशन, और सेपरेशन के लिए ये सारे फेस करने पड़ेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है हाँ ये सारे फेस करने पड़ेंगे, तो हमें वो फेस करवाते हैं, वो एनर्जी जो है यूनिवर्स को पास कर देते हैं, और फिर हमें जो है यूनिवर्स की तरफ से ये सेपरेशन जो है, जिसका जो पेन है, ये एज अ गिफ्ट मिल जाता है। तो हमने ये चीज़ों में फोकस करना ही नहीं, हमने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करना है, हमने सिर्फ ये सोचना है कि मैं आगे जाके जो है, ठीक है मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, मैं एग्ज़ाम कैसे पास करूँगी, जैसे भी पास करूँगी मैं बेहतर तरीके से करूँगी, मेरे अपने टैलेंट के हिसाब से करूँगी, ठीक है। इसीलिए अगर किसी ने 90% निकाला है तो ज़रूरी है नहीं कि आपने 90% ही निकाला, ठीक है 75% भी होगा चल जाएगा, क्योंकि आपका नेचर जो है आपके काउंटर पार्ट का भी नेचर है, तो जिस तरीके से आप बिहेव करोगे वैसे वो भी बिहेव करेंगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि ओके फाइन, उनका
आपका 35% है तो मैं ओके फाइन 35 ही निकालूंगी। नहीं, आपने नहीं सोचना है, क्योंकि सबके कर्मा, सबके नेचर, सबके अलग होते हैं। हर एक जरूरी है नहीं कि DF जो है हर पेशेंट्स में होंगी। नाराज भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, गुस्से भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि दोनों जो है नेचर दोनों का सेम है। अगर वो ऐसी हो सकती है तो काउंटर पार्ट जो है डिवाइन मस्कुलिन वो भी ऐसे हो सकते हैं। बहुत समझो दो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्स अगर कपल होंगे और डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को मिरर कर रहे होंगे, तो उनकी शॉर्ट टेम्पर जो है, पहले तो डिवाइन फेमिनिन को बहुत टाइम लगेगा सेटल करने में, तो तब तक के तो डिवाइन मस्कुलिन को भी बहुत, मतलब डबल ही टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके वजह से भी थोड़ा सेपरेशन जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है सेपरेशन मोड में हो, ओके फाइन, फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सुख दुख बांट देते तो नॉर्मल हो जाता है, मगर जो है सेपरेशन क्यों आया, कैसे आया, कितने साल से या क्या है क्या, ये हमने कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ अपने लिए ही देखना है। मतलब ऐसा है ना कि आप दौड़ रहे हो, लेकिन मेरी राइट में कितना दौड़ रहे है और लेफ्ट में कितना दौड़ रहे है, ये देखने से अच्छा मैं कितना दौड़ रही और मैं मेरे टारगेट की तरफ कितना जा रही या भाग रही हूँ। वैसे भी जो हमारे रनर्स है हमारे टारगेट है नहीं, मैं पहले ही बताऊं, ये अपने अंदर ही है। बस हम ही जो है यही सोचे कि वो बहुत आगे, एक्चुअली होते साथ ही है, बस हमें मिरर करते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ मत करो, एक जगह पे शांत बैठ जाओ, वो अपने आप ही आ जाएंगे पीछे। लेकिन हाँ, शांत खड़ा रहने के लिए पहले आपको बैलेंस भी होना पड़ेगा, बहुत से जो है अंदर अपने आप को सेटल भी फील करना होगा, उसके बाद ही जो है फील नहीं एक्चुअली होना होगा, उसके बाद अपने आप जो है काउंटर पार्ट मिररिंग करके अपनी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जर्नी जो है ना बहुत एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। ये सेपरेशन हमने जो है वो स्ट्रेच कराए अपनी थॉट से, अपने नेगेटिव थॉट से। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही ये जर्नी जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत आगे भी लेके जाएगी। बस ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। मगर हम मानना ही नहीं चाहते, हम नकार देते कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सारी दुनिया ने कहा है कि सेपरेशन मोड मस्ट है और सेपरेशन मोड सालों साल होता है या महीनों महीनों होता है, सेपरेशन मोड में इतना पेन होना चाहिए, अगर मुझे पेन नहीं हो रहा है तो मैं प्रॉपर नहीं चल रही हूँ, या मेरा सेपरेशन मोड जल्दी खत्म हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। बस हम ना एक्चुअली यही प्रॉब्लम है एक ह्यूमन मेंटालिटी का, कि हम दूसरों को देख के अपने ऊपर जो है थोपना स्टार्ट कर देते हैं और जज करते हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए। हमने देखना ही नहीं होता दूसरों ने क्या करा क्या नहीं करा, बस हमने जो है ना बस यही करना है, हमारे लिए क्या चाहिए सोचना और चलते रहना, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ आपकी और आपकी है। ये जर्नी के साथ आपने कैसे रहना क्या रहना ये आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब जो है दूसरों की, जो सामने वाले की जर्नी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती आपकी जर्नी। वीडियोस देखो, ज़रूर देखो, मगर ये मत देखना कि उसके सेपरेशन कितना था और सेपरेशन को टालने के लिए क्या करना है। सेपरेशन टालने के लिए हमने कुछ नहीं करना, सेपरेशन पूरी तरीके से मिटा के हमें जो है अपने आप को फिर से कंप्लीट फील कराना है। बस इसे ही कहा जाता है एक्चुअली यूनियन, रीयूनियन या हार्मोनियस यूनियन, जो आप समझो, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबसे रेजोनेट करी होगी, आपको कुछ ना कुछ जो है गाइडेंस जो है बाबा शिव, माँ शक्ति, यूनिवर्स या डिवाइन, उनसे ज़रूर मिली होंगी। ओके, तो मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। और आप प्राइवेट सेशन भी करना चाह रहे होंगे तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके मुझे डायरेक्टली कॉल करिएगा, और फिर तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन, मतलब मैं काउंटर पार्ट्स के नाम लेती हूँ और फिर उनके जो है एनर्जी चेक करती हूँ और फिर मैं पूरी तरीके से डिटेल्स में उनके साथ बात करती हूँ, है ना। तो चलिए, जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन आप सभी बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।